एटीएम मशीन लूटने का प्रयास कर रहे शातिर चोरों को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रंगे हाथ धर दबोचा। यह वाकया खापरखेड़ा पुलिस थाने परिसर के पिपला डाक बंगला गांव में शुक्रवार की रात से शनिवार की सुबह घटित हुआ। इस मामले में पुलिस दहेगा और रंगारी के चार आरोपियों को पकड़ चुकी है। पकड़े गए अधिकतर आरोपियों में बाइक चोरी, बलात्कार, अवैध दारू बिक्री, लूटपाट के आरोपी हैं, जिन पर नागपुर ग्रामीण और नागपुर शहर में मामले दर्ज है। आयुष शिवभूषण केशकर, राकेश मिठुलाल धुरिया, नितेश सुभाष साहू, शुभम मोहन सूर्यवंशी, ये पकड़े गए आरोपियों का नाम है। यह कार्रवाई थानेदार हृदय यादव इनके मार्गदर्शन में एपीआई किशोर धोड़पे, नामदेव धांडी, उमेश ठाकुर, आशीष भोरे, प्रमोद भोयर, राजू भोयर, नुमान शेख, प्रीतिश नरवारे, वीरू बहादुर, ड्राइवर संतोष ढाकनी और विनोद कनौजिया तथा स्थानीय अपराध शाखा के वीरेंद्र नरड़ इन्होंने की। एटीएम चोर फिल्मी स्टाइल में पकड़े गए। चारों चोर पल्सर गाड़ी और एक्टिवा गाड़ी से पिपला डाक बंगला आए। इनमें से आरोपी राकेश टाटा इनकैश एटीएम में रात 3:30 बजे गया। वहां जाकर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के ऊपर कपड़ा डाल दिया। आरोपी नितेश ने सीसीटीवी कैमरे की वायर काट दी। शुभम ने पेचकस से एटीएम मशीन का पैनल खोला। इस दरमियान चोरों की निगरानी कर रहे स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित कर बुलाया। पुलिस एटीएम में पहुंचते ही चोर गाड़ियों से भाग गए। घटनास्थल पर एक चोर को पुलिस ने पकड़ा था, जबकि दो चोर वलनी की दिशा में और एक चोर पुलिया की दिशा में भागे। पुलिस ने पीछा कर दो चोरों को वहां के स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ा। दूसरा चोर पीछा कर रहे पुलिस के डर से पुलिया से नीचे कूद गया, लेकिन पुलिस ने चपलता से उसे पकड़ लिया। कैमरामैन मयूर सुतोने के साथ बीसीएन के लिए दिलीप गजबिये और अरुण महाजन की रिपोर्ट।